हाय एवरीवन, सो टेक महिंद्रा की तरफ से फाइनली यहाँ पर एएससी हायरिंग को अनाउंस कर दिया गया है। द पोजीशन इज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड टेक महिंद्रा की तरफ से जो मास हायरिंग कंडक्ट कराई जाती है साल में एक या दो बार, वो वाली हायरिंग का यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुका है जो कि लास्ट ईयर कंडक्ट कराई गई थी और अब यहाँ पर उसको ओपन किया गया है। अब इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं, अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बट आपको एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि हर बार टेक महिंद्रा लास्ट टू प्रीवियस बैचेस के लिए हायरिंग निकालती थी। जैसे कि अगर 2023 में हायरिंग आई तो 2022 और 2023 बैच एलिजिबल है, बट इस बार टेक महिंद्रा ने चेंज किया है। टेक महिंद्रा में ओनली 2024 बैच अप्लाई कर सकता है और 2024 बैच में से ऑलरेडी काफी सारे लोगों का टीसीएस में प्लेसमेंट हो गया है, काफी सारे बच्चों ने अभी इंफोसिस का भी एग्जाम दिया है। सो 2024 बैच के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर हमें देखने को मिल रही है। बट यहां पर एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ है बहुत ज्यादा 2023 बैच के लिए, बिकॉज 2023 बैच लीगली इसमें एलिजिबल होना चाहिए था बट इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं रखा गया है। सो टेक महिंद्रा की सारी डिटेल्स को हम समझते हैं, एग्जाम पैटर्न को भी इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो अब एक बार स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले इंजीनियरिंग एंड एमसीए कैंडिडेट्स, क्लिक हियर टू रजिस्टर, ये आपको मैं लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। अभी देखो जस्ट अभी हायरिंग ओपन हुई है, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो हो सकता है अभी सर्वर के भी इश्यूज आए, दो चार बार ट्राई कर लेना, हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, दो चार बार ट्राई कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। तो अकेडमिक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया है कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड क्वालिफाइंग कोर्स इन 2024 विदाउट एनी बैकलॉग्स, ठीक है। 2024 बैच यहाँ पर एलिजिबल है और कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। Having scored minimum of 70% in 10th, 12th engineering degree and MCA, MSc computer science. So, जो 10th, 12th और engineering की requirement है वो है 70%, at least आपकी जो जो आपकी आपके जो graduation percentage है वो 70% होने चाहिए। In case of candidate has done diploma after 10th, then a minimum of 70% in diploma is mandatory, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज मेंशन है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव अपीयर्ड फॉर स्कोर इंप्रूवमेंट्स इन एनी एकेडमिक्स। जिन लोगों ने भी स्कोर अप्रूवमेंट्स के लिए जो इंप्रूवमेंट्स के लिए जो लोग बैठे हैं वो भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट शुड नॉट हैव वन मोर देन वन ईयर गैप इन एनी टू अकेडमिक प्रोग्राम सिंस एसएससी। कोई भी प्रोग्राम में एक ईयर से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। एलिजिबल इंजीनियरिंग की ब्रांच है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी और एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस। एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली ओपन फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड एमएससी हु हैव पास्ड इन 2024 हैव बीन इशूड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। इससे भी टेंशन मत लेना अगर आपका डिग्री सर्टिफिकेट नहीं भी है तो, ठीक है। बिकॉज अभी जो इसकी पूरी प्रोसेस है उसको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक महीना, और उसके बाद तो आपको डिग्री मिली जाएगी, ठीक है। बाकी की भी नीचे कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी हुई है, सो वो आप पढ़ सकते हो। कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर वर्चुअल एंड प्रोक्योर्ड ऑनलाइन टेस्ट अबाउट इन 1 to 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। अगले 1 से 2 weeks में आपको ये आ जाएगा, फॉलोड बाय फेस टू फेस इंटरव्यूज एट टेक महिंद्रा ऑफिस, प्लीज चेक योर ईमेल्स फॉर दिस, ठीक है। ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रेशन आईडी रजिस्ट्रेशन पिल विल बी सेंट यू ऑन योर ईमेल आईडी, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, सीधे सीधे यहाँ पर आई हैव रीड एंड इंस्ट्रक्शंस क्लियरफुली पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो सबसे पहले यहाँ पर प्रीफिक्स डालना है जिसमें आप अपना प्रीफिक्स भरोगे, आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, आपका जो भी है, आपको ये सारी चीजें अपनी फिल करनी है। आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर डालना होगा, जैसे अभी मैं कुछ भी डमी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपनी फिल करनी है, मैरिटल स्टेटस आप डालोगे अपना, उसके बाद मैरिड, सिंगल, जो भी है आपका। उसके बाद आप अपना जेंडर चूज करोगे यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल रहे हो वहाँ पे आएगा दिस ईमेल एड्रेस विल बी यूज्ड फॉर द फर्दर कम्युनिकेशन। होम स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, प्रेफर्ड ज्वाइनिंग लोकेशन में आपको यहाँ पर बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे के ऑफिस दिए गए हैं, तो इनमें से आप चूज कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पहले आप यहाँ पर राइट टिक मारोगे और उसके बाद आप इसको फिल करोगे, अगर नहीं है तो पहले आप इसको हटाओगे, ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन है आप पहले यहाँ पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन पर राइट टिक मारोगे, उसके बाद आप इसमें सारी डिटेल्स अपनी भरोगे, ठीक है। सारी डिटेल्स जिसमें भी आपको भरनी है पहले टिक मारना है, ठीक है। जैसे सपोज आपने क्लास 12th भरना है तो आप क्लास 12th पर टिक मारोगे, ठीक है। सो ऐसे टिक मारना है, फिर आपको अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर भरनी है, लास्ट में आपको कैप्चा भरना है, कैप्चा भर के आपको रजिस्टर कर देना है, ठीक है।
जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन करोगे, आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और अभी यहाँ पर हो सकता है सर्वर का एरर आए, बिकॉज अभी काफी सारा ट्रैफिक है। अभी ये ओपन रहेगी हायरिंग 1 सप्ताह तक, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब इसके बाद इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द एग्जाम पैटर्न। सो अब एक बार हम टेक महिंद्रा की प्रोसेस को देख लेते हैं। सो टेक महिंद्रा की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में टोटल यहाँ पर आपको 5 राउंड देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो राउंड होता है वो होता है आपका एप्टीट्यूड एंड एसे राइटिंग। सेकेंड राउंड होगा टेक्निकल एंड साइकोमेट्रिक। थर्ड राउंड होगा कन्वर्जेशनल टेस्ट। फोर्थ राउंड होता है टेक्निकल एंड फिफ्थ राउंड होता है एचआर इंटरव्यू। टोटल जो प्रोसेस है वो 5 यहाँ पर फेजेस में डिवाइडेड है, 5 राउंड्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो पहला राउंड होगा एप्टीट्यूड एंड एसे राइटिंग, उसको क्लियर करने के बाद टेक्निकल साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, फिर कन्वर्जेशनल, फिर टेक्निकल, फिर एचआर, और सारे ही राउंड यहाँ पर जो है एलिमिनेशन राउंड है। सबसे पहले बात करते हैं टेक महिंद्रा राउंड 1 यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिक एबिलिटी के 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। लॉजिकल एबिलिटी में आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। इंग्लिश में आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। एससी राइटिंग में आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। देन टेक महिंद्रा का राउंड 2 जो कि टेक्निकल एंड साइकोमेट्रिक असेसमेंट रहने वाला है, इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। ऑटोमेटा फिक्स में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। पर्सनलिटी टेस्ट में आपको 72 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। देन आपको कन्वर्जेशनल टेस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये 3 राउंड देखने को मिलेंगे। बाकी नीचे भी हमने सब कुछ चीजें अटैच करी हुई हैं, तो ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। सो आई विल बी पुटिंग आउट अ लिंक टू अप्लाई इन टेक महिंद्रा इन डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।